गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है लोगों का बाजार या क्वालिटी टूल्स। सबसे पहले हमें यहाँ ये जानना जरूरी है कि क्वालिटी किसे है। जब भी हम बाजार जाते हैं तो हमारी ये प्रयास रहता है, ग्राहकों का ये प्रयास रहता है कि उन्हें अच्छी से अच्छी वस्तु जो है वो कम कीमत में और कम दाम में उनको उपलब्ध हो। तो क्वालिटी का अर्थ कम मूल्य का होना भी है और अन्य कई चीजें जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट बनाती है, जिसे हम क्वालिटी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वालिटी की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं कि क्वालिटी किसे कहते हैं। शुबिन के अनुसार गुणवत्ता उत्कृष्टता का वह आयाम है जिसमें उत्पाद या सेवाएं अपनी कसौटी पर खरी उतरती है। यानी कि हम जिस उम्मीद से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर वह उम्मीद हमारी सार्थक हो जाती है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट जो है हमारी कसौटी पर खरा उतर जाता है तो हम उसको क्या है, अच्छा और बेहतरीन मानते हैं। तो ये जो अच्छा और बेहतरीन होना है, ये उस वस्तु या प्रोडक्ट की क्वालिटी को साबित करता है। ठीक है, हमें यहाँ ये जानना जरूरी है कि उत्पादन की ये जो प्रक्रिया है, निर्माण की जो ये प्रक्रिया है जिसमें हम कच्चा माल ला करके उससे तैयार माल या वस्तु जो है वो बनाते हैं, तो उत्पादन की प्रक्रिया में क्वालिटी को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो क्वालिटी के बारे में और बताते हुए आगे लिखा है, गुणवत्ता का अर्थ वस्तु या उत्पाद का दोष रहित होना भी है। देखिए, बाजार से जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा पैसे भी लग जाए और वस्तु जो है वो खराब या बुरी क्वालिटी की हमारे आए, जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो, खराब हो। ऐसी वस्तु क्या है, किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं कही जा सकती और गुणवत्ता वाली नहीं कही जा सकती। तो सबसे पहला दृष्टिकोण, सबसे पहला मापदंड यही है कि वस्तु जो है वो दोष रही, तो उत्पादन की प्रक्रिया में यह बहुत आवश्यक है कि जो भी वस्तुएं बन रही हैं वो दोष रहित या त्रुटि रहित हो। ठीक है, गुणवत्ता का अर्थ ग्राहक के दृष्टिकोण से क्या होता है, अब उसे भी अपने समझ लेते हैं। गुणवत्ता का अर्थ है कम मूल्य में बेहतरीन प्रदर्शन। अगर हम बाजार जाते हैं तो अगर वस्तु की मूल्य कम लग रहा है, अगर उसका प्रदर्शन अच्छा है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम ज्यादा कीमत भी दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर वस्तु जो है अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो हम उसके लिए अधिक प्राइस भी दे सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम वस्तु कौन सी मानी जाती है, सर्वोत्तम वस्तु में हम कम मूल्य में अधिक उम्मीद करते हैं। इसीलिए तो क्वालिटी का फॉर्मूला भी यहाँ पर बता रखा है। क्वालिटी का फॉर्मूला है क्यू बराबर पी बटा ए। ठीक है, क्यू का अर्थ यहाँ पर क्वालिटी है और पी का अर्थ इसके परफॉर्मेंस या प्रदर्शन से है, और ई का अर्थ है एक्सपेक्टेशन या उम्मीद। ग्राहक की अगर उम्मीद अधिक है और वस्तु का प्रदर्शन अगर कमजोर है, तो उसकी क्वालिटी हमेशा कमतर मापी जाती है, कमतर मापी जाती है। तो ऐसी वस्तु जिसका परफॉर्मेंस शानदार हो, जिसका प्रदर्शन अच्छा हो, जिसकी उपयोगिता अच्छी हो, लेकिन जिससे उम्मीद जो है वो सामान्य हो, ऐसी वस्तु जो है वो क्या है, गुणवत्ता में बेहतरीन मानी जाती है। तो यहाँ पर क्वालिटी का फॉर्मूला हो गया क्यू बराबर थ्री बटा ए। तो गुणवत्ता के बारे में हम यहाँ पर एक चीज को अवश्य ही समझ गए कि गुणवत्ता जो है वो कई चीजों से मिलकर के बनी है। क्वालिटी कई चीजों से, कई आयामों से मिलकर के बनी है। ये सारे के सारे आयाम जो है, सारे के सारे इसके जो मापदंड है जिनकी कसौटी पर क्वालिटी को परखा जाता है, ये सभी गुणवत्ता की विमाएं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता जो है वो कई आयामों से तोली जाती है, मापी जाती है, आंकी जाती है। उत्पादन की प्रक्रिया में इन सभी आयामों का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत बड़ा महत्व है। गुणवत्ता के ये नौ आयाम जो है वो हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है वो मेंटेन किए जाते हैं और इनके आधार पर ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेस्ट बनाया जाता है। क्या वो कौन कौन से आयाम हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला आयाम है इसका विश्वसनीयता, यानी प्रोडक्ट जो है अच्छा किसे मानेंगे, सेवाओं को अच्छा किसे मानेंगे, जो बेहतरीन हो, जो विश्वसनीय हो, जो लंबे समय तक चले, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। कोई भी प्रोडक्ट हम बाजार से लाना चाहते हैं तो क्वालिटी की सबसे बड़ी पहचान इसकी विश्वसनीयता है और इसके लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, जिसपे हम विश्वास कर सके। आज अच्छे ब्रांडों पर हम विश्वास कर लेते हैं, इसलिए विश्वसनीयता क्वालिटी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम है इसकी स्थिरता, यानी कि